अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड अ गुड हेल्थ। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द रीडिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज़ द रैंसम ऑफ थ्रेड चीफ। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट्स रीडिंग, सो ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, एक्सप्लेन बिल, एंड देन मैश इट विद हिज फुट एंड आई हिट हिम। इसने कहा कि इसने ना उबलता हुआ एक आलू जो है वो मेरी मतलब बैक मेरी कमर पे रखा और फिर उसको मैच यानी कि उसको मसला अपने पाँव के साथ तो मैंने उसको मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच अप द आर्गूमेंट। मैंने क्या किया, अब वो मैंने कौन जो दूसरा लड़का था बिल के साथ, ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने जल्दी से रॉक को लेके साइड पे फेंका और इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की। आई फिक्स यू से द किड टू बिल। तो बच्चे ने कहा बिल्कुल कि मैं तुम्हें देख लूँगा। बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड से सैम यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन विल यू। तो उसने क्या कहा कि बिल ने क्या कहा सैम को, ठीक है, सैम को कहा कि सैम तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे, क्या तुम जाओगे। आई वेंट आउट एंड कॉट दैट द बॉय एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रैकल रैटल्ड। आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय, मैं बाहर आया और मैंने उस बच्चे को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से हिलाया जब तक कि वो बिल्कुल मतलब कि ना वो उसका बिल्कुल फेस बिल्कुल रेड हो गया एकदम से, ठीक है, एकदम से ये कहने आप। इफ़ यू डोंट बिहेव, अगर तुम तमीज़ ना रहे, अगर तुम बाज ना आए, सेज आई विल यू स्ट्रेट होम नाउ बी गुड, अगर तुम बाज ना, मैं तुम्हें सीधा घर छोड़ाऊँगा तो अच्छे बन जाओ। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, मैंने उसका आर्गुमेंट ख़त्म करके उन्हें कहा कि चलो भाई हाथ मिलाओ, मैंने दोनों के हाथ मिलवाए। देन आई टुक बिल असाइड and told him I was going to Poplar Cove and little village 3 miles away to find out what reaction the kidnapping had caused. तो अब वो कहता है बिल्कुल कि मैं जो है थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ पॉपुलर कोव में, एक छोटे से विलेज में जा रहा हूँ जो यहाँ से 3 मील दूर है, ताकि मैं देख सकूँ कि किडनेपिंग का क्या रिएक्शन है, यानी कि कोई लोगों को पता, उन लोग घर वालों को पता चला है कि नहीं, उन्हें क्या नेक्स्ट स्टेप किया। यू नो सैम सेज बिल, आई हैव स्टूड बाई यू इन अर्थक्वेक्स फायर फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, आई हैव नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैप दैट गिफ्ट, यू वॉन्ट लीव मी अलोंग विथ हिम विल यू। उसने कहा कि देखो सैम, मैं तुम्हारे साथ जब जलजले होते रहे तब भी खड़ा रहा, जब सैलाब आते रहे, जब आग लगी, सब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, मैं कभी भी मैंने अपने नर्व लूज़ नहीं किए, मतलब मैं कभी भी अपने आबे से बाहर नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने इस बच्चे को हम लोगों ने अगवा किया है, मैं मुझे होश नहीं है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे सारा देर तक। आई विल बी बैक soon, says you must keep the boy amused till I return. Let's write the letter to the Dorset demanding the ransom and how it should be paid. इसने कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तब तक ऐसा करते हैं कि खत लिखते हैं हम इसके मिस्टर डॉर्सेट यानी कि इसके वालिद को और बोलते हैं कि हमें तावान दें, ठीक है, यानी कि अगवा के बदले चल गया जाता है। बिल एंड आई रोट इट while red chief strutted up and down guarding the cave, will beg me tearfully to make the ransom $1500 instead of 2000. अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्हें 2000 लेना था, लेकिन बिल ने कहा कि भाई 1500 ही ले लेते हैं, 1500 ही, $1500 ही ठीक है, $2000 हम नहीं लेते। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड, और मैंने अच्छा जब ये लिख रहे थे तो बच्चा बाय गार्ड बना रहा था केव पर, ठीक है, पैरा दे रहा था। वी अच्छा ये अब ख़त की तस्वीर आ गई। बेंसन डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय, इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम, वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दिस टर्म, वी डिमांड $1500, द मनी टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट टू नाइट टू द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एट द लोन ट्री, सेंड योर आंसर बाई मैसेंजर एट 8:30 टू नाइट, इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रिकी यू विल नेवर सी योर बॉय अगैन, if you pay the money he will be done to you safe and well, these terms are final and if you do not accede to them no further communication will be attempted. अब उसने बेसिकली ख़त में ये कहा है कि भई आप हमें ये 1500 रुपया दें, अपने बच्चे को ले जाएं, किसी किस्म की होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी काम नहीं आएगी, कोई भी आपके बच्चे को नहीं ढूंढ सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको वापस मिल जाए, तो हमें ये वाले पैसे जहाँ पर हमने ये लेटर आपको दिया है भिजवा दें वापस लाजमी, ठीक है, और साथ टाइम वगैरह दिया। आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सेट राउंड द पोस्ट ऑफिस डोर, वो पोस्ट ऑफिस गया, चैटिंग टू कस्टमर्स, कस्टमर से बात कर रहा था। वन का सेज ही हियर स्मिथ इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डॉर्सेट्स बॉय हैविंग बीन लॉस्ट, उसने कहा कि
कि ये सारा जो समय था वो परेशान है, क्यों? क्योंकि एलसे डॉर्सेट का जो सबसे बड़ा बेटा जो बॉय है, एक ही जो बच्चा है उसका, उसको जो है किसी ने अगवा कर लिया। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, आई पोस्टेड माई लेटर। अच्छा अब देखें कि वो उसको यही मसला था ना कि वो देखना चाह रहा था कि भाई कि कोई रिएक्शन मिला क्यों नहीं है अभी तक, ठीक है, मतलब लोगों ने क्या उसको ढूंढना शुरू किया है, यानी तो उसको पता चल गया तो उसने लेटर पोस्ट कर लिया। व्हेन आई गॉट बैक टू द केव, बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड, सो आई वेटेड। जब मैं केव वापस आई, घर वापस आया, बिल और बॉय मुझे नहीं मिले, तो मैंने इंतज़ार किया। हाफ एन आवर लेटर बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेज, आधे घंटे बाद बिल झाड़ियों से बाहर आया। बिहाइंड हिम वाज द किड, उनके पीछे एक बच्चा भी, वही बच्चा भी चलता आता, स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट विद अ ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस। बिल स्टॉप, टुक ऑफ हिज हेड, वो उसके पीछे बच्चा भी जैसे स्काउट होते हैं ना उसी तरह से चलता आ रहा था। बिल रुका, उसे अपनी हेड उतारी एंड वाइप हिज फेस विद अ रेड हैंडकरचीफ। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, और एक रेड कलर का रुमाल निकाल के उसने मुंह साफ किया और बच्चा भी उसके पीछे रुक गया। सैम सीज बिल, आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन, सैम मुझे माफ़ कर दो लेकिन बच्चा चला गया है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया है। आई हैव सब्जुकेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, आई रीच माई लिमिट। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सैम मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस बच्चे को जो है वो वापस घर भेज दिया है क्योंकि मैं तंग आ गया हुआ था उससे, ठीक है। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क्ड, उसने कहा कि क्या मसला था बिल, हुआ क्या था, सैम ने पूछा, ठीक है। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, वो मुझे मेरे ऊपर घोड़ा बन के सवारी कर रहा था। देन आई वॉज गिवन ओट्स सैंड एंड ईटेबल, इसने कहा कि फिर उसने मुझे दलिया दिया, मैं दलिया खाने लगा तो उसने रेत में ला दी, वो खाने के काबिल नहीं रहा। आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, कि मैं बस एक इंसान बस इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। आई टेक हिम डाउन टू द माउंटेन, मैंने से माउंटेन से नीचे लेके गया। ऑन द वे ही किक्स And bite, but he's gone home. I showed him the way. I'm sorry we lose the ransom, but it was either that or meet the madhouse. वो कह रहा है कि यार मैं इसको लेके गया था नीचे और इसने मुझे बहुत तंग किया तो मैं इसको पहाड़ी से नीचे लेके गया, उसने मुझे मारा, चक मारे, ठीक है, बाइट किया, और फिर मैंने उसको नीचे रास्ता दिखाया और मैंने उसको भेज दिया कि मैं बस इतना ही बर्दाश्त कर सकता था, या तो हमें तावान मिलता या तो मैं पागल हो जाता। बिल सीज, आई हैव अ लुक बिहाइंड, बिल उसने कहा तो ज़रा पीछे मुड़ के देखो। बिल टर्न्स एंड सी द बॉय लूजेस हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट डाउन फॉर एन आवर, आई वाज अफ्रेड फॉर हिज माइंड। बिल जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बच्चा तो वहीं खड़ा था, यानी उसके पीछे पीछे आ रहा था, और मैं अब डर रहा था कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट इफ ऑल डोरसेट पेड अप, सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ। तो मैंने बिल को बताया कि बस आज रात की बात है, आज रात तक वो हमें तावान दे देगा और हम इस बच्चे से जान छुड़ा लेंगे। दिस वाज माय स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट, द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वाज टू बी लेफ्ट वाज इन ओपन एरिया, इफ एनी पुलिस केम आई वुड सी हिम अ माइल ऑफ, एट 8:30 आई वाज वेल हिडन इन द ट्री। उसने कहा कि वो जहाँ पे मैंने उनको तावान रखने का कहा है वो बड़ी एक ओपन एग्जैक्टली ऑन टाइम, हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अ रोड ऑन अ बाईसाइकिल, स्लिप्स अ नोट इन टू द बॉक्स एंड पेडल्स अवे अगेन। आई गॉट द नोट एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर बाय द लैंटर्न आई रीड इट टू बिल। क्या हुआ कि भाई जहाँ पे उन्हें खत रखने का कहा था, जवाब लिखने का कहा था, उन्हें जवाब वहाँ पे रख दिया था और उसने सैम ने वो जवाब उठाया और घर में वापस आ गया। जवाब यानी खत के जवाब में लिखा था, जेंटलमैन द टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर, आई थिंक द रैंसम यू आस्क्ड फॉर द रिटर्न ऑफ माय सन इज टू हाई, आई हैव बी Make you a counter proposition which I am sure you will accept. You will pay me $250 in cash and I agree to take him off your hands. But bring him at midnight so the neighbors don't stop you. अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो आपने तावान मांगा वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, ठीक है, एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि आप मुझे अब $250 दें और मेरे बच्चे को मैं वापस लूँगा, अदरवाइज ही बच्चा आप ही के पास रहेगा। और उनको आपको तो पता है कि बच्चा पहले ही जो है उनको कितना पागल कर चुका होता है। जब द चीक आई बिगिन बट आई ग्लांस एट द बिल एंड हेजिटेटेड, द हिज आईज वाज प्लीडिंग विद मी। अच्छा अब उसने क्या हुआ कि अब उनको उल्टा खुद पैसे देने पड़ गए हैं, ठीक है। सो सैम सेज ही वी गॉट द मनी, द किड विल सेंड मी क्रेजी, आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज जेनरस फॉर मेकिंग अ सच एन ऑफर, डोंट लेट हिम द चांस गो। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि सैम ये बच्चा वैसे ही मुझे पागल कर चुका हुआ है, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, इसको पैसे दे दो, ठीक है।
ठीक है, मिस्टर डॉसन ने बड़ा एहसान किया है हमसे ये काम करके कि हमसे क्या अगवा करने का तावान मांगेंगे, आप हमें खुद ही पैसे दे के बच्चा भी देना पड़ रहा है साहब, तो बच्चे ने हमें बहुत पागल कर दिया है। ऑनेस्टली बिल सेज आई हैव गॉट ऑल माई नर्व्स टू विल टेक डॉसन ऑफ एंड मेक और गेट अवे, उसने कहा कि हम अब इस बच्चे को देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। दैट नाइट वी गॉट हिम टू गो बाई सेइंग दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू टॉय फॉर हिम एंड वी आर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज इन द नेक्स्ट। उस रात वो बच्चे को ये कह के लेके गई कि उसके बाबा ने उसके लिए नए खिलौने लिए हैं और हम उन खिलौनों के साथ खेलने जा रहे हैं। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग अ रैंसम, बिल वाज गिविंग $250 टू डॉर्सेट। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं $1500 डॉर्सेट से लूँगा और उसका बच्चा उसको दूंगा, उस टाइम मुझे ही $250 डॉर्सेट को देने पड़े और साथ उसका बच्चा भी देना पड़ा कि भाई इतने बच्चे ले जाओ और साथ उनसे पैसे भी ले जाओ। When the kid found out we are going to leave him, जब बच्चे को एहसास हुआ कि हम उसको छोड़ के जा रहे हैं, he fastened himself as tight as a leash to Bill's leg, his father pulled him away. उसने क्या किया, ज़ोर से जो है ना ये देखो बिल की टांग को पकड़ लिया, ठीक है, बहुत ज़ोर से बाप उसको उसको खींच रहा था। How long you can hold him, asked Bill. बिल ने कहा कि कितनी देर आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, सैड ओल्ड डॉसन, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10. उसने कहा मैं 10 मिनट तक उसको खींच सकता हूँ, उसके बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इनफ सीज बिल, इन 10 मिनट्स आई शेल क्रॉस द कंट्री एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर। उसने कहा कि ठीक है आप उसको पकड़ के रखें। उन्होंने कहा कि आप कितने टाइम उसको पकड़ के रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट तक उसको पकड़ के रखूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप 10 मिनट तक इसको पकड़ के रखें, उससे अपनी टांग खड़ा। उन्होंने कहा 10 मिनट में यहाँ से भाग जाऊँगा। एंड एज डार्क एज इट वॉज, एज फास्ट एज बिल वॉज एंड एज अ गुड रनर एज आई एम, ही वॉज अ माइल अवे एंड हाफ ऑफ समय बिफोर आई कुड कैच हिम अप अगेन, कैच अप में थे। उसने कहा मैं जितना अंधेरा था उतना ही मैं तेज़ दौड़ा, जितना तेज़ मैं दौड़ सकता था मैं दौड़ा ताकि ये बच्चा दोबारा हमारे सर पे ना आके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इनकी सारा आंसर जो है वो सेंड कर दूँगी, आपने उसको अपनी नोटबुक पर अटैम्प कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह।